OnePlus 12R सेल पे आने ही वाला है और हमने उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर भी लिया है, थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा का टाइम तो वो हमारे साथ रहा नहीं, लेकिन जितना रहा हमें उसका आइडिया लग गया भाई फ़ोन कैसा है। तो बिना डिले करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक अच्छा फोन वो फोन होता है जिसमें स्क्रीन बढ़िया हो, कैमरा अच्छा हो, परफॉर्मेंस बढ़िया हो, बैटरी बढ़िया हो। अगर ये चार से पांच चीजें, ड्यूरेबिलिटी भी लगा लो, बिल्ड वगैरह सब अच्छी हो जाए ना भाई, उससे अच्छा फोन, परफेक्ट फोन किसी के लिए होता नहीं है। और OnePlus 12R ये सारे ही बॉक्सेस चेक करता है एकदम परफेक्टली। ये फोन 39,999 के प्राइस में आता है, जो कि भाई जस्ट अंडर 40,000 है। ऑफर्स वगैरह मिला लो तो थोड़ा और कम में आ जाएगा, लेकिन 39,999 में ना भाई ये जो आपको चीजें देता है ना, कोई और फोन दे ही नहीं सकता है। इस फोन में तीन ऐसे पिलर्स हैं फोन के जो कि बेस्ट हैं इस सेगमेंट पे, कोई और फोन ऑफर करता ही नहीं है ऐसा कुछ। पहला पिलर है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले सबसे बेस्ट है इन द सेगमेंट, इससे अच्छा डिस्प्ले किसी फोन में आता ही नहीं है, 40,000 का 50,000 तक भी। इसमें 1.5K LTPO AMOLED पैनल मिलता है भाई, 120Hz का, 4500 की पीक ब्राइटनेस के साथ, जो कि अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। बट, और एक बड़ा बट, इस बड़े बट पे हम वीडियो के एंड में आएंगे, तो तब तक रुको क्योंकि जरूरी है। एक अच्छे फोन का दूसरा पार्ट, बैटरी। इस फोन में आपको बेस्ट बैटरी बैकअप मिलता है ऑलराउंड, इससे अच्छा बैटरी बैकअप आपको फ्लैगशिप लेवल में कोई फोन ऑफर करता ही नहीं है। 500mAh की बैटरी मिलती है विद 100W ऑफ क्विक चार्ज, दैट इज इनसेन। हमने चेक किया, कंपनी 26 मिनट्स क्लेम करती है, फोन 28 से 30 मिनट लेता है चार्ज होने में पूरा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तीसरा पिलर परफॉर्मेंस। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मिलता है भाई, जो कि एक साल पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर है, मतलब कि मिड रेंज कोई भी चिप उठा लो इससे अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही नहीं। फोन इतना कैपेबल है कि आराम से BGMI में 90fps पे कंसिस्टेंटली खेल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो कराना है करा लो फोन को, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे फोन अटक रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि 8 Gen 2 यार अपने आप में बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। तो ये तीन चीजें तो मेन हो गई, अब आते हैं फोन के कैमरास पे। तो फोन में तीन कैमरास मिलते हैं जिसमें से दो यूजेबल हैं। मैक्रो कैमरा जो 2 मेगापिक्सल का है वो तो नाम का है, तो भाई उस पे तो मैं बात नहीं करूंगा। मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि अच्छे रिजल्ट्स देता है एक डिसेंट गुड लाइटिंग कंडीशंस में। हम लोगों को ज्यादा लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी रात की ही मिली है, आर्टिफिशियल लाइटिंग मिली है, तो उसके हिसाब से आप सैंपल्स देख सकते हो। फोन इस प्राइस में अच्छे फोटोज लेता है। फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा ही मिलता है, जो कि आप यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट्स देता है। डेफिनेटली कैमरा इज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन, और भी फोन से जो इससे अच्छे कैमरास वाले आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल एक डिसेंट कैमरा है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हो, और कोई भी फोन आपको एक यूजेबल कैमरा इतने अच्छे स्पेक्स के साथ नहीं देने वाला है। OnePlus ने एक चीज बहुत ज्यादा मार्केट करी है अपने इस फोन के साथ, वो है उसका ट्रिनिटी इंजन। तो बेसिकली ट्रिनिटी इंजन का काम ये है कि रैम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, और साथ ही साथ गेमिंग में भी हेल्प मिले, इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर होता है, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह और अच्छे हो जाते हैं। तो ट्रिनिटी इंजन और स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्लस कलर ओएस का ऑप्टिमाइजेशन सब मिलके ना अच्छा काम करते हैं, ये हमने नोटिस किया है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये लोगों को ऑप्टिमाइज किया हुआ ये सिस्टम है, और मुझे कहीं से भी इसको यूज़ करके ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई फ्लैगशिप फोन के अलावा कोई और फोन यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ दैट गुड, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन किसी भी फोन को आप जो भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में उठा के रख लो सामने, टक्कर आराम से दे सकता है। फोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है डिज़ाइन के मामले में, आगे पीछे ग्लास है, साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम है, अलर्ट स्लाइडर फॉर OnePlus फैंस है इस फोन में, और कैमरा बम्प नॉट माई फेवरेट, बट इसमें जो दो कलर आते हैं ब्लू और ब्लैक, दोनों ही मेरे को काफ़ी पसंद आए। ऑल दो एक चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों ही कलर्स के साथ फिनिश अलग मिलती है, ब्लैक पूरा मैट है, उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते, ब्लू नॉन स्लिपरी है, ब्लैक बहुत स्लिपरी है, और ब्लैक में थोड़ा ग्लिटरी प्लस मेटालिक, थोड़ा सा ब्रश्ड मेटालिक की इफेक्ट उसमें दी हुई है बैक पैनल में। मुझे पर्सनली कलर जो है वो ब्लू का ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिनिश हाथ में एंड फील जो है वो स्लिपरीनेस वो ब्लैक की ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं तो अलग ही डिलेमा में जी रहा हूँ भाई। अब आ जाते हैं इस फोन की कुछ चीज़ों पे भाई, जिसको ये मार्केट किया जा रहा है लेकिन एक्चुअली में आप उस पर ध्यान ना दो तो बेहतर है। पहली चीज़ तो ये ट्रिपल कैमरास, दो ही कैमरा यूजेबल हैं, इनफैक्ट मेन कैमरा ही सबसे ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो, अल्ट्रा वाइड भी शायद इतना यूज़ ना करो, 2x जूम तक भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, फोन की क्वालिटी अच्छी रहती है। दूसरी चीज़, 4500 nits इज अ मार्केटिंग गिमिक,
क्योंकि 4500 निट्स पे फोन जो है वो फंक्शन करता नहीं है। HDR कंटेंट आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स में या कहीं पे फुल ब्राइटनेस कर दो तब 45 निट्स पकड़ता है वो भी दो चार मिनट के लिए, फिर वो अपने आप ही ड्रॉप कर देता है। तो आपका फोन वैसे भी 900 से 1600 तक की निट्स की ब्राइटनेस जो है उस पे काम करेगा हाई ब्राइटनेस मोड में, विच इज ऑल्सो गुड, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, 4500 निट्स के नंबर पे इस फोन को लेना इज नॉट वाइज, तो मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी भाई रिफ्रेश रेट एंड ऑल बढ़िया तरीके से काम करता है ऑटोमेटिक मोड में, ऑन एंड ऑन फोन काफी अच्छा है। मुझे कैमरा बम्प का डिजाइन अभी भी पसंद नहीं आया जो लास्ट टाइम था, अगर वो सर्कल में आज भी कहता हूँ सेंटर में होता था एक बार को मुझे ये थोड़ा और अपीलिंग लगता, बट साइड में नहीं भाई। तो भाई OnePlus 12 R भाई एक परफेक्ट फोन है अंडर 40,000 रुपीज, क्योंकि इस बजट में ये फोन हर एक चीज इतने अच्छे से करता है जो कि कोई फोन नहीं कर सकता एक्सेप्ट कैमरास। बट कहीं ना कहीं तो OnePlus को कटौती करनी थी ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन OS अच्छा काम करता है, उसमें एड्स नहीं है इतने। तो आपको अगर तीन चीजें बेस्ट मिल रही है तो एक ना एक चीज पे तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द कैमरास। और कैमरास भी ऐसे है कि आपको ना तब तक उनमें प्रॉब्लम नहीं फील होगी जब तक आप कोई अच्छा जो है आईफोन 15 प्रो या फिर S24 अल्ट्रा कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर लेते कैमरा में। अगर आपने वो यूज़ नहीं किया हुआ है तो आप इससे जितनी एक्सपेक्टेशन लगाओगे ना ये उतना डिलीवर बड़े आराम से करेगा। तो ऑन एंड ऑन भाई ये था क्विक रिव्यू OnePlus 12 R का, सेल शुरू होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर पसंद आया फोन और ये वीडियो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को ताकि हम और ऐसी वीडियोस लाते रहें। और अगली वीडियो आने वाली है Realme 12 Pro Plus की भाई, फोन हमारे पास है जल्दी, इसका फुल रिव्यू आने वाला है तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दो, और हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए सी यू। एवोकाडो लगा देंगे, नोरा पता ही नहीं।